प्राची और खुशी की हो गई ट्रक से टकरा कर मौत, और रणबीर अपनी आंखों के सामने देखेगा प्राची को मरते हुए। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब प्राची अपने कार के ब्रेक्स को मारने की कोशिश करेगी और प्राची के कार के ब्रेक्स नहीं लगेंगे, तभी रणबीर आगे रास्ते पर प्राची की चलती हुई तेज कार को रोकने के लिए और प्राची और अपनी बेटी खुशी को बचाने के लिए आगे रास्ते पर कई किलोमीटर की दूरी पर रणबीर एक ट्रक लेकर रख देगा और उस ट्रक में भरे हुए घास फूस वाले माल सामान को निकाल देगा और ट्रक के बाजू में रख देगा, ताकि प्राची की कार जैसे ही ट्रक से टकराए वैसे ही प्राची की कार हानि के बिना ही रुक जाए। जहाँ पर जब अक्षय की बुआ मिहिका को अंदर कमरे में बंद करेगी और मिहिका चिल्ला चिल्ला कर अक्षय की बुआ को कहेगी कि आप समझ नहीं रहे हो, मुझे बाहर निकालिए, मैं अपने रणबीर को पाने के लिए परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढी हूँ और वो सॉल्यूशन यानी कि काम आज हो जाएगा। तभी यह सुनकर अक्षय की बुआ कहेगी चुप हो जाओ मिहिका। तभी मिहिका चिल्ला कर कहेगी प्राची की मौत, मैंने प्राची की कार के सारे ब्रेक्स फेल कर दिए हैं और अब तक तो प्राची का एक्सीडेंट हो भी गया होगा, जिससे प्राची की डेफिनेटली मौत हो गई होगी। यह सुनकर अक्षय की बुआ को काफी बड़ा झटका लगेगा। जहाँ पर प्राची और खुशी की कार रणबीर के ट्रक और मलबे से जोर से टकराएगी, तभी प्राची और खुशी की कार कुछ भी नुकसान होए बिना रुक जाएगी। और लेकिन जब रणबीर पूरे धूल और घास फूस से लथपथ कार के अंदर प्राची और खुशी को देखने के लिए जाएगा और शीशे से जैसे ही मिट्टी हटाएगा, तभी रणबीर को खुशी जख्मी हालत में दिखेगी, जहाँ पर खुशी के सर पर जोर से लगा होगा और खुशी खून से लथपथ बेहोश होगी। और जब रणबीर प्राची को देखने के लिए प्राची की ओर का शीशा धूल से हटाएगा और प्राची को देखने की कोशिश करेगा, तभी प्राची का सिर स्टेयरिंग व्हील से टकरा कर वहीं पर ही होगा और पूरे प्राची के सर से खून स्टेयरिंग व्हील पर गिर रहा होगा, जिसे देख कर रणबीर के होश उड़ जाएंगे और रणबीर जोर से चिल्लाएगा प्राची। और प्राची को बचाने के लिए रणबीर तुरंत अपनी जान की परवाह के बिना कार का शीशा तोड़कर कार का दरवाजा खोलेगा और प्राची को अपनी बाहों में लेकर पहले प्राची की सांसें चेक करेगा। जहाँ पर खून से लथपथ प्राची की सांसें जब चल रही होगी, तभी रणबीर के दिल को एक पल के लिए सुकून मिलेगा। और लेकिन प्राची का खून ज्यादा बह जाने की वजह से जब रणबीर बिना समय गवाए डॉक्टर और एम्बुलेंस को बुलाएगा और नजदीकी हॉस्पिटल के एम्बुलेंस वाले प्राची और खुशी को ले जाएंगे, तभी डॉक्टर रणबीर को कहेंगे कि मिस्टर रणबीर, आपकी वाइफ प्राची का खून बहुत ज्यादा बह चुका है, इसलिए हम आपकी प्राची को बचाने की कोई गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि पता नहीं आपकी प्राची हॉस्पिटल पहुंच भी पाएगी क्या नहीं। अगर आपकी प्राची हॉस्पिटल में भी पहुंच गई, फिर भी प्राची को बचाना बहुत मुश्किल होगा। और दूसरी बात कि हम आपकी बेटी खुशी को बचा लेंगे, क्योंकि उसे थोड़ी सी चोट लगी है। यह सुनकर रणबीर को काफी बड़ा शॉक लगेगा और रणबीर गुस्से से डॉक्टर को कहेगा, बातें क्यों कर रहे हैं, मेरी प्राची को हॉस्पिटल ले जाइए, अगर मेरी प्राची को कुछ हो गया तो मैं पूरे हॉस्पिटल में किसी को नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर डॉक्टर को काफी बड़ा शॉक लगेगा और डॉक्टर बिना समय गवाए प्राची का इलाज करने के लिए प्राची को हॉस्पिटल लेकर जाएगा। और लेकिन मिहिका की असली सच्चाई और प्राची का एक्सीडेंट करने की असली सच्चाई रणबीर के सामने आनी चाहिए क्या नहीं, और प्राची रणबीर को अपनी जिद को छोड़कर दोनों को एक होकर सबसे दूर जाकर खुशी के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।